चलिए आज हम लोग देखते हैं सब्सटेंस में लाइक कैसे आईडी पे काम करते हैं। आईडी मतलब क्या होता है, जैसे माया के अंदर हम लोग गए, माया के अंदर हमने कुछ मटेरियल डाले, ये मेरे पास मॉडल है, इस मॉडल की वजह से अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में बस लाइक सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया लैम्बर्ट एक बाय डिफॉल्ट मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास एक लैम्बर्ट वन है यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे कलर देना है, अलग अलग मैं कलर चाहता हूँ यहाँ पे, तो अलग अलग कलर चाहने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सपाट मैं अलग सेपरेट नहीं कर रहा, कंबाइन करके लेके जाना जा रहा हूँ। तो उस कंबाइन करके लेके जाने में मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सेलेक्ट कर दिया शिफ्ट को, इतना प्रॉपर में सेलेक्ट किया एंड शिफ्ट एंड को सेलेक्ट करके मैं एक राइट क्लिक करना साइन लैम्बर्ट कर दिया। लैम्बर्ट मैंने यहाँ पे क्या किया सिंपल ब्लू BLUE ब्लू कलर ले लेते हैं यहाँ पे। हाँ कलर वाइज चीज़ होता है, जब ब्लू कलर दे दिया मैंने, ठीक है। मुझे यहाँ पे भी ये सब कुछ चाहिए ब्लू कलर चाहिए, तो मैंने ब्लू कलर लिया, ठीक है। राइट क्लिक असाइन जो मैंने भी नाम दिया ब्लू मेरे पास यहाँ पे आ गया। ये जो पूरा पार्ट है इस वाले पूरे पार्ट को मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ राइट क्लिक एंड असाइन लैम्बर्ट दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, रेड कर दिया, ठीक है। तो रेड कलर में दे सकता हूँ यहाँ पे, रेड कलर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो पार्ट है इसको सेलेक्ट करके मैंने राइट क्लिक एंड असाइन न्यू लैम्बर्ट ग्रीन कर दिया मैंने, ठीक है। तो अभी मैं हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये आईडी क्यों दे रहे हैं जी, और आईडी क्यों दे रहे हैं उसके पीछे आपको रीज़न बताता हूँ, ठीक है। ग्रीन किया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या किया, अलग अलग हमें चीज़ों को अगर कलर देना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट दिख रहा है, अभी आपको ये पार्ट अगर ऐसा कुछ करना है तो आप यहाँ पे शिफ्ट एंड ग्रो करो, आपको लगता है कि आप इतना काम करना है तो आप यहाँ पे ब्लू दे के असाइन कर सकते हो, तो रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। आप शेड में मेक श्योर आपके यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ये सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये सेलेक्ट कर दिया, मैं दोनों बोल्ट का अलग अलग कलर देना है तो मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया यहाँ पे रेड, एडजस्ट में कर रेड कर दो या ग्रीन कर दो, अलग अलग कलर आप दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो यहाँ पे। नीचे वाले पार्ट में दिया राइट क्लिक करना असाइन, मैंने यहाँ पे क्या करना, मुझे करना है रेड, रेड कर दिया यहाँ पे मैंने, ये कलर ग्रीन है ब्लू भी है, सेम चीज़ अगर आप यहाँ देना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो सेलेक्ट दिस वन राइट क्लिक करना असाइन, यहाँ पे मुझे कोई और कलर देना है तो यहाँ पे मैं कोई भी कलर यहाँ पे मैं यूज़ करना चाहता हूँ, सपोज मैंने ग्रीन किया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरे पास आईडी आ गया, हाइपर शेड में जाओ, सबसे पहले हाइपर शेड अपना क्लीन करना है, हाइपर शेड पे गए, मेरे पास अनवांटेड चीज़ नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या किया एडिट में डिलीट अनयूज नोट्स, तो यहाँ पे तीन ही पार्ट यहाँ पे रख दिए। अभी मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, अभी देखो ये जो कलर आईडी है, ये कलर आईडी हम लोग का काम आने वाला है शेडिंग में, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया, फाइल पे गए, मैंने यहाँ पे क्या किया एक्सपोर्ट सिलेक्शन कर दिया, एक्सपोर्ट सिलेक्शन पे गए ओजे यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आईडी वन के नाम से मैंने सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आते सब्सटेंस में, सब्सटेंस में क्या होता है अलग अलग आईडी पर अलग अलग कलर दे सकते हैं, तो पहले काम क्या करता है न्यू पे गए, न्यू कर दिया मैंने सेलेक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। आईडी वन पे मैंने कॉल कर लिया यहाँ पे, साइज मुझे लाइक वन के टू के जो भी रखना है मैं रख लूँगा, यहाँ पे चाहिए प्लस यहाँ पे है अल्फा एंड यहाँ पे ब्लेंड करके मैंने क्लिक कर दिया ओके, डिस्कार्ड कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पर कलर नहीं दिखेगा, कलर नहीं दिखेगा लेकिन तीन अलग अलग लैम्बर्ट दिखेंगे, जो मैंने अलग अलग कलर दिया ना वो तीनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पर आपको समझ जाना है कि अगर आपको जो भी कोई काम करना है वो आप आईडी वाइज वर्क कर सकते हो, जो भी मैंने कलर दिया देखो यहाँ पे ध्यान से देखो लैम्बर्ट वन, लैम्बर्ट वन में कौन सा कलर है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ देखो। तो अभी आप यहाँ पे हाइपर शेड में गए, यहाँ पर आप कलर को अगर सेलेक्ट करते हो राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये आपका ब्लू कलर दिख रहा है, ब्लू कलर में ये पार्ट है, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट यहाँ पे क्या ग्रीन कलर में ये पार्ट है, ठीक है। फोर प्रेस करके देखो दिखेगा इतना पार्ट है। तो अभी यही चीज़ मैंने क्या किया सब्सटेंस में जाकर देख रहा हूँ, सब्सटेंस में मुझे क्या मिल रहा है ये पार्ट में बस यहाँ पे वही आपका पूरा पार्ट है। अभी अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं बेक में आते हैं, बेक करने का प्रोसेस है, मैं उस बेक में मुझे फिलहाल में नॉर्मल नहीं चाहिए, नॉर्मल ऑफ कर दिया, थिकनेस मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे आईडी पे आ गया, ठीक है, ठीक है। आईडी यहाँ पर आ गए, आईडी पर आने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है मटेरियल कलर यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। मटेरियल कलर मैंने यहाँ पे किया देन ये सिंपल सा बात एंड बेक टेक्स्चर सेलेक्टेड ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। तो अभी जो बेक होगा वो बेक मेरा सब आईडी के अकॉर्डिंग ही होने वाला है, सब कुछ मेरे पास आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस चेक करें यहाँ पे, यहाँ पे देखो यहाँ पे आईडी मैप है, आईडी पे क्लिक किया तो वही कलर आ गया जो कलर हमने यहाँ पे दिया, यहाँ पे यहाँ से देखोगे ठीक है 4, 5 एंड 6 ये थे, ये पार्ट आपको यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, दोनों पार्ट आ गया। अभी यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या है ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्विच करता हूँ, एम प्रेस करो एम आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर मटेरियल है, मटेरियल में यहाँ पे क्या करता हूँ मुझे किसी पर अलग अलग मटेरियल देना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया लेफ्ट क्लिक एंड राइट यहाँ पे मैंने उठा के डाला तो ये मेरा स्पॉट ये यहाँ पर आ गया। तो अभी आपको आइडिया मिल रहा है कि मैंने वो मटेरियल अलग दिया तो उसका बेनिफिट क्या है। अब यहाँ पे मैं जस्ट चाहता हूँ यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर मैंने यहाँ पे किया तो इसमें बस ये पार्ट यहाँ पर आ गया, तो मुझे अभी यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ लिया
या फिर जो कलर देने में वैसे कलर देके दिखा सकता हूँ। तो मैं उसी आईडी मैप का फंडा के लिए हो जाएगा कि आप यहाँ पर आईडी मैप क्यों निकाल लो। आपको फिर यहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप ऑब्जेक्ट कंबाइन करके लाते हो तो उसमें आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप यहाँ पर सिंपल क्लिक एंड ड्रैग करो, वो ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर रीड करेगा आपको कैसे क्या काम करना है। आप देखा आप ये आपका इन्वायरमेंट ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ आपको एक बहुत बेसिक सा फंडा के लिए जाएगा कि आप ये चीज़ यूज़ क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो और क्या प्रोसेस है इसका, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पार्ट आपको अलग यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो ब्लू कलर आपने यहाँ पे दिया, ब्लू कलर पर पैसे कुछ देना है तो आप ऐसे अलग अलग कलर देना चाहो, अलग अलग मटेरियल देना चाहो तो आप अलग अलग मटेरियल को आप यहाँ पे दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपको ये बेसिक सा फंडा आपको बहुत बढ़िया सा क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे क्या काम करना है, ठीक है। लुक एंड फील कैसे देना है, आप यहाँ पे मटेरियल्स को उठा के लगा सकते हो, ठीक है। आपका आईडी का पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने आईडी क्यों दिया, किस लिए दिया, ठीक है। यहाँ देखो तो अभी आप इस चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा और बेटर देखिएगा कि आप किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास आईडी पास का एक पार्ट क्लियर हो जाता है। आप ये वर्टेक्स कलर के अकॉर्डिंग भी काम करते हैं और चीज़ों को हम वैसे मैनेज भी कर देते हैं यहाँ पे।